आराम स्केल में सबसे बेस्ट और इफेक्टिव टेक्निक बताता हूँ, इसको आप एक बार ट्राई जरूर करना। डंबल्स को इस टाइप से पकड़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद फिर इसको ऐसा बैंड वो करना है ऊपर। हाय गाइज, आई एम रियांशु एंड वेलकम बैक टू माई फिटनेस चैनल। सो हाउज यू, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम बैक और फोर आर्म्स को ट्रेन करेंगे, सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे हम बॉडी वार्म अप से। अगर आपने बॉडी वार्म अप वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में शो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम चिन अप से। आप इस टाइप से नहीं लगा पाते हैं तो फ्रेंड की हेल्प कर सकते हैं, उसको पैर सपोर्ट देने के लिए। इस टाइप से बाद अपने आपको ऊपर देख के पुश करना होगा, पुश करके उसके आपको 10-12 के दो सेट्स लगाने हैं। इसके बाद हम बैक लगाएंगे पुल डाउन मशीन से। इसमें बॉडी की पोजिशन को इस टाइप से रखना है, ज़्यादा पीछे बैक साइड नहीं आना है, नॉर्मल इसको इस टाइप से रखना है। और जब ऊपर जाएंगे तो पूरा फुल्ली इसको स्ट्रेच करना है। विंग्स होती है, इस पर लोड आता है, उसको ऊपर जाना, ऊपर करता हूँ। हाँ, ये वाला जो पार्ट होता है उस पर आपको 12-15 रेप्स के तीन सेट्स लगाना है। इसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज लगाएंगे क्लोज ग्रिप से पुल डाउन मशीन के लिए। इसमें थंब को आपको बाहर साइड रखना है और यहाँ पर इनर साइड का आपको लोड आएगा, इसका बैक को आर्च बना के रखना है। आपको 12-15 रेप्स के तीन सेट्स लगाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे सीटेड रो से। इसमें दोनों टाइप से पकड़ सकते हैं आप, चेस को इससे बैंड से चिपका के रखना है। इसमें पोजीशन को इस टाइप से रखना है, इसके आउटर साइड पे लोड आएगा आपको बाहर से। चलो हेल्प को आगे रखना है और पुश करना है इस साइड पर, ठीक। चलो भी आपको 12-15 रेप्स के तीन सेट्स लगाना है। इसके लिए मशीन होती है, अगर आपके पास मशीन नहीं होती तो आप इस टाइप से इसको लगा सकते हैं। इसको डिस्टेंस को थोड़ा सा, हाँ, बैक को थोड़ा सा आर्च बनाना है, बैक को आर्च बनाना है और जब आप आगे पुश कर पुल करेंगे इसको तो आगे इस तरह रखना, उसका आप इसका पीछे खींचना है। इसका आपको लोड लोअर बैक का आता है। Thank you.
उसके भी आपको 12 to 15 reps के 3 sets लगाना। इसके बाद हम लगाएंगे फोर आर्म्स के लिए। फोर आर्म्स के लिए मैं सबसे बेस्ट और इफेक्टिव टेक्निक बताता हूँ, इसको आप एक बार ट्राई जरूर करना। थोड़ा डंबल्स को इस टाइप से पकड़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद फिर इसको ऐसा बैंड वो करना है। इसके भी आपको 12 टू 15 रेप्स के 3 sets लगाना। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे रिवर्स कर्ल। इसमें आपको रॉड को इस टाइप से पकड़ना है, एल्बो को इस टाइप से लॉक करके रखना, ठीक। उसके ऊपर ले आना, सिर्फ 90 डिग्री था ऊपर। और इसके भी आपको 12 टू 15 रेप्स के 3 sets लगाना है। इसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज लगाएंगे सीटेड रिस्ट पर। आपको रॉड को इस टाइप से पकड़ लेना है, ठीक। इसके बाद रिस्ट को ऊपर कर लेना। इसका आपको इस जगह पर लोड आता है फोर आर्म्स पर। इसके भी आपको 12 टू 15 रेप्स के 3 sets लगाना। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।